प्रेम एक ऐसा भाव जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया कि प्रेम से आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम से घृणा को भी जीता जा सकता है। आप खुद सोचें कि आपका मन सबसे ज्यादा क्या चाहता है और इसका जवाब आपको मिलेगा प्रेम, प्रेम, प्रेम। जी हाँ, दुनिया में चाहे पशु हो, पक्षी हो या कोई भी प्राणी हो, हर प्राणी का मन सिर्फ प्रेम चाहता है। लेकिन हम सभी प्रेम के भाव को समझ ही नहीं पाते और सब अलग दिशा में चलते रहते हैं। अज्ञानता से दिव्य प्रेम वासना और घृणा में बदल जाता है। चलिए दिव्य प्रेम को गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार बुद्ध के एक शिष्य एक दिन गांव में घूमने के लिए गए हुए थे। घूमते हुए उन्हें बहुत प्यास लग गई। वो एक कुएं के पास गए। वहां पर एक युवती ने उन्हें पानी पिलाने के लिए कहा। पहले तो वो पानी देने के लिए मान गई, लेकिन बाद में उसने घड़ा पीछे कर पानी देने से मना कर दिया। वो बोले, क्या हुआ? युवती बोली, मैं नीची जाति से हूँ, मेरे हाथ का पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आनंद ने कहा कि आप इसकी चिंता ना करें, मुझे पानी पिलाएं। पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। हमारे गुरु बुद्ध कहते हैं कि इस धरती पर कोई ऊंच नीच नहीं होती, सब समान होते हैं। ये सुनकर वो युवती बेहद खुश हो गई और उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद वो युवती वहां से चली गई। वो रास्ते भर आनंद के बारे में ही सोचती रही। उसे उनकी सोच बहुत पसंद आई। आनंद देखने में भी बहुत सुंदर थे, कोई भी उन पर आसानी से मोहित हो जाता। वो युवती भी आनंद पर मोहित हो गई। वो रोज कुएं के पास उनका इंतजार करती। आनंद रोज उस कुएं के पास से जाते तो वही युवती उन्हें पानी पिलाती। अब तक उसे बस उन्हें जी भर देखने की इच्छा थी, लेकिन अब वो इच्छा बढ़ रही थी। एक दिन आनंद नहीं आए। युवती बहुत परेशान हो गई और उनके बारे में पता करने के लिए बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई। जब उसने आश्रम में आनंद को देखा, तब उसकी परेशानी दूर हुई। उसने आनंद से कहा कि आज आप घूमने के लिए गांव में नहीं आए? आनंद ने कहा, आज मुझे आश्रम में बहुत काम था। युवती ने कहा, आप जाति का भेदभाव नहीं करते, क्या आप मेरे घर खाने का निमंत्रण स्वीकार करेंगे? आनंद ने कहा, ये तो मैं बुद्ध से पूछकर बताऊंगा, उनकी अनुमति मिल गई तो मैं अवश्य आऊंगा। ये सुनकर युवती खुश हो गई और वहां से चली गई। उसे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई। उसे लगा कि आनंद भी उसे प्रेम करता है, इसीलिए वो उसके घर खाने पर आ रहे हैं। अगले दिन आनंद बुद्ध से अनुमति लेकर उस युवती के घर गए। युवती ने उनके लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाए थे। उन्होंने उसे बड़े प्रेम से ग्रहण किया। उसके बाद युवती ने आनंद से कहा, अगर आप ऊंची नीची जाति का भेदभाव नहीं करते हैं तो क्या मैं आपसे अपने मन की बात कर सकती हूँ? आनंद ने कहा, हाँ जरूर बोलो। युवती ने कहा, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आनंद ने ये सुनकर कहा कि प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, प्रेम तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य विवाह करना नहीं है, मैं केवल बुद्ध की सेवा करना चाहता हूँ। युवती ने कहा, मैं आपको बुद्ध की सेवा करने से नहीं रोकूंगी, बल्कि आपके साथ मैं भी उनकी सेवा करूंगी। आनंद ने कहा, जो तुम सोच रही हो वो नहीं हो सकता है, और ये कहकर वो वहां से उठकर चले गए। अब वही प्रेम युवती के लिए पीड़ा का कारण बन गया। वो हर कीमत पर आनंद को पाना चाहती थी। जब ये बात युवती की माँ को पता चली तो उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो, आनंद तुम्हारा ही होगा, तुम उसे फिर से खाने पर बुलाओ, मैं उसके खाने में बेहोशी की
दवा मिला दूंगी, उसके बाद तुम उससे गंधर्व विवाह कर लेना। युवती ने कहा, क्या ये सही रहेगा माँ? उसकी माँ ने कहा, प्रेम में सही और गलत नहीं होता। अगले दिन युवती फिर आनंद से मिलने गई और कहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आनंद ने कहा, नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होता और आपने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं कि मैं नाराज हो जाऊं। युवती ने कहा, तो ठीक है फिर, क्या आप दोबारा मेरे घर भोजन करने आएंगे? आनंद ने कहा, मैं बुद्ध से अनुमति लेकर अवश्य आऊंगा। अगले दिन आनंद युवती के यहाँ भोजन पर गए। उसने तरह तरह के भोजन आनंद को परोसे और उसमें एक बेहोशी की दवाई मिला दी। आनंद उसे खाते ही बेहोश हो गए। युवती की माता ने कहा, जाओ अब तुम गंधर्व विवाह कर लो, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा माँ। युवती की माँ कहती है, अरे सही गलत सोचोगी तो आनंद कभी नहीं मिलेगा। युवती अंदर गई और तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वो वरमाला लेकर आनंद के पास आई, उतने में ही आनंद की बेहोशी टूट गई और युवती को अपने समीप वरमाला के साथ देखा। युवती भी आनंद को इस तरह देखकर घबरा गई। आनंद ने युवती को खुद से दूर किया और बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले गए। युवती कुछ भी नहीं कह पाई। उसने अपनी माँ से कहा कि आपके कारण मुझसे वो दूर हो गए हैं, मैं खुद को पापी समझ रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब तक वो मेरे हाथ से पानी तो पीते थे लेकिन अब तो मेरा चेहरा तक नहीं देखेंगे। वो पूरी रात इसी पीड़ा में रही और सोचती रही, दुख मनाती रही। अगले दिन सुबह होते ही वो बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई और बुद्ध से कहा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आप मुझे उस पाप की सजा दें। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मुझे आनंद ने तुम्हारे बारे में बताया, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने तो प्रेम किया है। युवती बोली, लेकिन आनंद तो मुझसे प्रेम नहीं करते, अब तो वो मुझसे घृणा करेंगे। बुद्ध ने कहा, आनंद तुमसे घृणा नहीं करता, वो किसी से घृणा नहीं करता, वो तो बस प्रेम करता है और वो तुमसे भी प्रेम करता है, वो सबसे प्रेम करता है। तुमने अभी प्रेम की वास्तविकता को समझा ही नहीं है। जो प्रेम करुणा लाए, आसपास शांति लाए, वही सच्चा और दिव्य प्रेम होता है। ऐसा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इसके विपरीत जो प्रेम क्रोध, लालच, क्रूरता को लेकर आए, स्वतंत्रता का हनन करे, मन में पीड़ा और अशांति लेकर आए, गलत काम कराए, इसे प्रेम नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं। आनंद में आज भी शांति है, वो आज भी आनंदित है, वो तुमसे मिलकर पहले जितना खुश था आज भी उतना ही खुश है, वो तुमसे जितना प्रेम करता था आज भी उतना ही करता है, उसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, वो किसी पाप भाव से ग्रसित भी नहीं है, उसका प्रेम वास्तविक है। इसके विपरीत तुम खुद को देखो, जिसे तुम प्रेम कह रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो वास्तविक प्रेम है? क्या तुम आनंदित हो? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे कोई गलत काम नहीं कराया? पहले तुम कितनी खुश थी, आज देखो तुम कितनी पीड़ा में हो, तब तुम कैसे कह सकती हो कि तुम प्रेम करती हो? वो युवती गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, मुझे क्षमा कर दें, आप सही कहते हैं, मैं प्रेम को समझ ही नहीं पाई, आप मुझे भी अपने संग में शामिल कर लें, मैं भी वास्तविक प्रेम को जानना चाहती हूँ। दोस्तों, हम सभी प्रेम करते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, प्रेमी प्रेमिका, सभी को प्रेम चाहिए, लेकिन क्या हम जिस प्रेम के पीछे भागते हैं उसे समझते भी हैं? वास्तव में जिसे हम प्रेम समझ बैठे हैं वो वासना के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रेम आपको स्वार्थ की तरफ धकेल रहा है तो आप समझ जाना कि आप प्रेम नहीं करते, ये आपका कोई निजी स्वार्थ है जिसके कारण आप प्रेम का ढोंग कर रहे हैं। वास्तविक प्रेम लेना नहीं, देना सिखाता है और उसे देने में हमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है, वो अपने बच्चों के लिए सब सुख दुख
हंसते हुए जीवन निकाल देती है, लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं होने देती। लेकिन वही माँ क्या दूसरे के बच्चों को भी वही प्रेम दे सकती है? अगर हाँ, तो वही वास्तविक निस्वार्थ प्रेम है, और अगर नहीं तो वो लालच से जुड़ा हुआ है, उसे वास्तविक प्रेम नहीं कहा जा सकता। दिव्य प्रेम हर प्राणी के लिए, हर इंसान के लिए, हर जानवर के लिए, पेड़ पौधों के लिए बराबर होता है। वो किसी में कोई फर्क नहीं करता। और जो हमारा प्रेम होता है, जो वासना से परिपूर्ण होता है, वो प्राणियों में तो क्या, लोगों में भी भेद कर देता है। जैसे मैं उससे ज्यादा प्रेम करता हूँ, इससे कम प्रेम करता हूँ, नहीं, प्रेम तो हर जगह बराबर होता है। तो दिव्य प्रेम की क्या क्या साधनाएं होती हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और उस पर मैं हो सकता है एक अलग से वीडियो भी बनाऊं कि हम दिव्य प्रेम को अपने मन में कैसे जागृत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी साधनाएं होती हैं, और साधनाओं के माध्यम से हम दिव्य प्रेम अपने मन में जगा सकते हैं। अगर ये कथा आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई कहानी या कथा डालें तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।